नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनस्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728, यानी 9415207728। और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से ये बड़ी खबर है, जहां स्वाट टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 का इनामी मुठभेड़ में घायल हो गया है। बता दें कि स्वाट टीम और थाना खानपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 25,000 रुपये का इनामी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो, जिसके कब्जे से एक पिस्टल, तमंचा, खुखा और बारूद कारतूस बरामद किए गए। साथ ही एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की बरामद की गई है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा अपराध अपराधियों के ऊपर चलाए जा रहे अभियान के तहत स्वाट टीम और थाना खानपुर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। मामले में एक पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। सर, आज जो मुठभेड़ हुई है उसके बारे में बताएं। देखिए, जनपद में प्रतिदिन स्थान समय बदल के पूरे ज़िले में शाम के टाइम चेकिंग कराई जाती है। आज भी चेकिंग का आदेश था, पूरे जनपद में चेकिंग चल रही थी। हमारे चौकी इंचार्ज सिधौना जो है बिहारीगंज डगरा पे चेक कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर एक संदिग्ध व्यक्ति बैठा हुआ, उसको रोका, उन्होंने रुका नहीं और तेज़ी से जो है गाली देते हुए आगे बढ़ा उचौरी की तरफ। इसको सूचना पे चौकी इंचार्ज ने सबको अवगत कराया। आगे हमारे सादात बॉर्डर पे स्वयं एसओ खानपुर और एसओजी की टीम चेकिंग कर रही थी, वो आगे बढ़ी। बीच में जब बदमाश ने पुलिस टीम को देखा तो उसने फायर किया। फायर करने के बाद पुलिस ने भी अपने बचाव में फायर किया, जिसके फलस्वरूप उसके पैर में गोली लगी है। बाद में जब उससे जानकारी हुई की गई तो यह मालूम चला कि खानपुर में एक हफ्ते पहले जो हत्या हुई थी उसका मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, बीरू यादव नाम है। उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। मौके से एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की और पिस्टल बरामद।